रेलर लंग रखा बाजाजर लंग रखा रखा बेना नीरा लंग से नो अलंग रे रंसीत लंगा भाई कीनिल इंटरनेशनल होटल से वापस दिल्ली की ओर आते हुए और एक अच्छा वाला पोर्ट्रेट सीधा वाला लेंगे तो देखने में आज के लिए मनाली को बाय बाय उसको तो लगाया गया है ना इसको खेती किया इसको टिंडरा ये सर ऐसे टिंडरा ये वाला व्यू बहुत मस्त है पत्रा से एक बार इधर आइए तो आप वीडियो नहीं कर रहे हैं आदमी के साथ ये है दोस्तों तो ये परसों वीडियो कॉल करो कैसा उड़ा रहा वाह अभी आदमी और चाहिए ना रुकिए भैया कितना चल उड़ेगा उसमें कितना चार तक सिंगल चलाया है ना तो डलाउजी तरफ में वो तो उड़ा गए यहाँ से उतना दूर ऊपर ऊपर हो गया अभी तेज हो गया आप देख रहे हैं ब्यास नदी का नजारा पूरा डबा ले जाना पड़ेगा कौन डबा ये सब 120 बोल रहे हैं एप्पल 120 दीजिए बढ़िया है ना एकदम बढ़िया सस्ता वर्ग में 150 बोलो तो फोड़ना पड़ेगा बहुत हार्ड है पत्थर से छींचना पड़ता है सर जी नहीं हाँ हाँ ये फ्लेवर चाहिए और ये फ्लेवर लेंगे ये कितने के हैं ये वाला ये इनको ही पता है अच्छा उनको पता है और किसी को पता नहीं रहे आगे पीछे नहीं बताना है ये ना ये सब तो जूस है देखो कई तरह के जूस है जूस मिलेगा आपको एप्पल जूस मिलेगा रेड चिली सब मिलेगा ये सब कितने के हैं ये छोटा 30 ओनली 30 ये अखरोट कैसे 40 अखरोट 400 रुपए किलो अरे वाह तो सर निकला हुआ ना ना खाली हो गया बादाम एक लिंगड़ी का चटनी एप्पल की चटनी पड़ेगी आपको कर दे रहे हैं ना कितने दिन तक चलेगी ये हमारा गाड़ी यहाँ लगी हुई है एप्पल का पेड़ सेव बगान है ये सब मार्च अप्रैल को रहेगा
मार्च अप्रैल को रसूड़ा हुआ लेकिन जो बोतल को ने जितन को का रानू को अच्छा ये वाला हां पर फोटो दे इस करके होड़ में नहीं क्या मैं नहीं है यार अरे तो सभी सब नहीं करना है सेम कुल्लू सॉल फैक्ट्री आउटलेट अब देख सकते हैं इधर है सेन लोकल ड्राई फ्रूट्स तो शॉपिंग सब हो गया तो सोल फैक्ट्री से ले लिए एक बजे हाँ 50 तो लेके निकल रहे हैं हम लोग ठीक है धन्यवाद गाड़ी में डालने वाले तो ये है सोल फैक्ट्री कुल्लू का फैक्ट्री है ना ये ऊपर है फैक्ट्री क्या देखिए फैक्ट्री में रुकना था तो कंबल लीजिएगा सर कंबल लेंगे कि सॉल लीजिएगा वाला भी लेंगे उसको भी लीजिएगा इसको भी सबको जो छू रहे हैं सब ले लेंगे ये सब छू रहे हैं ये सब लेना है जिसको जिसको छू रहे हैं सबको लीजिएगा ये रहा टनल का दृश्य अभी हम लोग सुंदर नगर के होटल राजा में खाना खाने के लिए रुके हुए हैं